ये देखिए 1982 का बाकी है, ऑस्ट्रेलिया में आप गए खेलने टीम लेके, कैप्टन आप कर रहे थे, आई थिंक सेकंड टाइम कैप्टन कर रहे थे शायद, और पहली बार आउटसाइड टूर था आपका, और उनसे आपने अपने टॉस जीता, आपसे पूछ रहा है आप क्या करेंगे, वुमन कैप्टन बोलता है फील्ड करूं, आपने कहा गो इनसाइड एंड आस्क एंड आई विल टेल लो, ग्रेग चैपल खड़ा हुआ है साथ, ग्रेग चैपल खड़ा हुआ है, ये ग्रेग चैपल था ना, ग्रेग चैपल, तो आपको पता ही था कि आप बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे उस वक्त, लाजी बात है, एक तो मैं यंग था पता भी नहीं, मैंने कहा क्यों, सीनियर प्लेयर भी थे ना, हाँ उनसे पूछ सकते थे, हाँ ये ना, तो मैंने कहा उन्होंने बगावत कर दी उसी दौरे में, वो मैं उस पे आऊंगा ना, उस पे आऊंगा ना, अच्छा फिर क्या, फिर क्या, सीनियर प्लेयर जो थे उन्होंने बगावत, बता कौन कौन सीनियर प्लेयर थे बताए ना, बिल्डअप दे, नहीं तो मतलब सही सही तो नहीं, तो बात ये थे ना अच्छे प्लेयर, इमरान खान, इमरान खान थे, वसीम बारी, अच्छा ये हमसे कम से पूछते क्या क्या करना चाहिए बैटिंग, जब कप्तान भी मैं बना था तो कप्तान बनाया गया था ना, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने बनाया था ना, अच्छा ये भी नहीं था कि मैं कॉम्पिटिट नहीं था, नहीं नहीं आप थे बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने सीरीज जीत के बताई, मेरी इससे पहले भी देखी सारी कुछ थी, तो मगर यहाँ पर ये था कि लाजिम बात है कि कभी ये पता नहीं कि अभी पूछ के कंसर्न कर, चलिए कंसर्न, जावेद भाई अगर वो आधे खिलाड़ियों ने बोला तो बोलिंग करो और आधे ने बैटिंग, फिर कैप्टन कब होती, तो जावेद भाई वो हालत है, मेरा दोस्त है उसको हम जाते हैं बोलते हैं आ जा चाय, बोलते हैं एक मिनट बीवी से पूछ के बाहर आता हूँ, पूछ के बाहर बताता हूँ ना, मैंने फिर सही बोला ना उस जमाने में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले आज अभी तक लोग पूछना बीवी, जाहिद भाई जाहिद भाई थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखा ना एक डेढ़ साल आगे चलते हैं, कैप्टनसी आपकी चल रही है और एकदम से यही जिनसे आप पूछने गए थे अंदर, इन्होंने मिलकर क्या किया, रिवोल्ट आपके खिलाफ एज यूजल पाकिस्तान में लीन डाली, रिवोल्ट की आई थिंक उस वक्त, और आपको बोला कि इनको हटाएं, लेकिन आपको बोर्ड ने सपोर्ट किया, आपको बोर्ड ने सपोर्ट किया, चेयरमैन ने सपोर्ट किया, बात है वो तरीकाकार गलत था क्योंकि ऐसा कभी होता, अगर होता तो आज तक ये चले जाता, फिर पाकिस्तान की टीम कभी नहीं होती थी, सर रिवोल्ट तो बार बार हुए हैं, कई बार हुए हैं, 100 बार हुए हैं ना, मिर्जा भाई आप बताएंगे ना, वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ रिवोल्ट हो गया, शाहिद अफरीदी के खिलाफ हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, आज के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, डिपेंड करता कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन बॉस है उस रिवोल्ट का, नहीं नहीं मेरा मतलब पीसीबी का, अगर आज पीसीबी नूर खान थे ना, नूर खान थे उस जमाने, उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छा स्टोरी है कि नूर खान उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने सपोर्ट किया, जाहिद भाई को बोला कि बाकी लड़के जो रिवोल्ट करें उनको निकालो, और रातों रात नए लड़के टीम में, जिसमें आप बताएंगे मिर्ज़ा भाई किसके से डेब्यू किया, मना कर दिया था ना, हाँ उन्होंने कहा नहीं नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा जाओ नहीं खेलो तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने सीरीज जीता, उन्होंने नए लड़के, हाँ उन्होंने लिख कर दे दिया प्लेयर्स ने जो सीनियर्स के, हम नहीं खेलेंगे, मैनेजर इजाज़ भट्ट थे, उन्होंने कहा कि हम इनकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे, टीम वापस आई ऑस्ट्रेलिया से, और एक आध जो जैसे इकबाल कासिम ने लिख के दिया था उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, और टीम जब वापस आई 1982 में श्रीलंका की टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान के टूर पर आ रही थी, बंदूला वर्णापुरा उसके कप्तान थे, जावेद भाई पाकिस्तान के कप्तान थे, नूर खान ने पूरी टीम बदल दी, कराची में चार लड़कों ने डेब्यू किया, सलीम मलिक, सलीम यूसुफ, राशिद खान और ताहिर नक्काश, वाह वाह, और जावेद भाई कप्तान, अच्छे प्लेयर्स जीते भी, और प्रिंसिपली आई सैल्यूट टू मास्टर।